बलिया में वोटिंग के बीच मुस्लिम महिलाओं का फूटा गुस्सा। ईवीएम में खराबी या फिर कुछ और है कहानी। आज लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। बलिया भी यूपी की हॉट सीट बनी हुई है। बलिया का किला फतेह करने के लिए भाजपा और सपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई। बता दें कि इस बीच अब बलिया में एक मुस्लिम महिला ने बड़े आरोप लगा दिए हैं। बलिया लोकसभा क्षेत्र के एलडी कॉलेज के पोलिंग बूथ पर वोट डालने आई बुर्क नशी मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन खराब है, मगर फिर भी वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्र से बाहर आकर बुर्क नशी मुस्लिम महिला ने कहा, पूरी मशीन खराब है, यहाँ मशीन चल ही नहीं रही है। महिला का कहना है कि मशीन में से आवाज आ ही नहीं रही। मतदान कर्मी कह रहे हैं कि मशीन का बटन दबा कर निकल जाओ। महिला का कहना है कि मतदान कर्मी कह रहे हैं कि मतदान केंद्र से निकल जाओ। भड़कते हुए मुस्लिम महिला का कहना है कि पुलिस भी मतदान केंद्र से धक्के मार कर बाहर निकाल रही है। महिला का कहना है कि वह वोट नहीं डाल पाई। बता दें कि अब इस मुस्लिम महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्लिम महिला ने साफ कहा है कि मशीन खराब है, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ सपा की तरफ से सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।